हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड का एक टॉपिक, जहाँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, हम म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत वीडियोस जो है कवर अप कर चुके हैं, जहाँ पे हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसकी जो है इंपॉर्टेंस क्या होती है, एज वेल एज क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आखिर क्यों लोग जो है म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, या कौन कौन सी स्कीम्स आपकी म्यूचुअल फंड में होती है। अब यहाँ पर आपका जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसके स्ट्रक्चर को लेकर के, यानी ये जो पूरा म्यूचुअल फंड का पार्ट है, या फिर जो एक कह सकते हो ये एक सिनेरियो बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आखिर कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन सी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स आपके जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है, जहाँ पे आपके पास आप जो है बहुत छोटा छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स ऐसे ही छोटे छोटे अमाउंट्स को दूसरे जो है इन्वेस्टर्स से लेती है और उनको बड़ी कंपनीज में जो है इन्वेस्ट कर देती है, तो उसको आप कहते हो म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे पूल ऑफ मनी किया जाता है फ्रॉम मेनी पीपल और उसको इन्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ सेबी का रेगुलेशन 1996 में ये डिफाइन किया गया है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, और ये जो म्यूचुअल फंड है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है एक ट्रस्ट की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके यानी इन्वेस्टर्स के, जो कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है और उनके पैसों को लिया जाता है, इसीलिए वो पैसे जो लिए जा रहे हैं उनका ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको एज अ ट्रस्ट फॉर्म किया जाता है। ट्रस्ट का मतलब जो कि आपकी चीज़ों की रखवाली कर रहा है, या फिर जो है उसको सही रूप में प्रयोग कर रहा है, ऐसा नहीं है उसके साथ कुछ गलत करेगा। सो एज अ ट्रस्ट इसको जो है फॉर्म किया जाता है, ताकि लोगों से मनी रेज की जा सके और यहाँ पर जो है उसको एज यूनिट्स बेच करके फिर जो है वो पैसे लिए जा सके और उन पैसों को कहीं और किसी और इन्वेस्टमेंट में लगाया जा सके या किसी बड़ी कंपनी की सिक्योरिटीज ली जा सके। तो म्यूचुअल फंड जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है एक ट्रस्ट के फॉर्म में, जो कि अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में होता है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सबसे पहले स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या होता है, एक ऐसी इंडिविजुअल, या तो ये इंडिविजुअल हो सकता है या फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, जैसे कि आप जो है एक इंडिविजुअली खड़े हो सकते हो, कहते हो कि मैं जो हूँ म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर बनूंगा, तो यहाँ पे आप एक स्पॉन्सर के तौर पे जो है आ सकते हो। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। स्पॉन्सर जो है वो म्यूचुअल फंड को इस्टेब्लिश करता है। यहाँ पे जो है आप कोई इंडिविजुअल हो सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हो, या फिर जो है आप अपना अकेले भी अगर एक्टिंग अलोन हो तो भी आप कर सकते हो। सो इस्टेब्लिश करना म्यूचुअल फंड अलोंग विद एनी इंडिविजुअल, आपका बॉडी कॉर्पोरेट और एक्टिंग अलोन, ठीक है, या तो आप खुद भी कर सकते हो या फिर जो है दूसरे किसी इंडिविजुअल्स को मिला करके भी कर सकते हो, दूसरे किसी बॉडी कॉर्पोरेट को भी मिला करके कर सकते हो। और यहाँ पर आप एज एन एक्ट करोगे स्पॉन्सर, और जब आप स्पॉन्सर बनते हो फिर आपको क्या करना पड़ता है, म्यूचुअल फंड आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है। ऑल्सो क्रिएट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। अब यहाँ पे जो स्पॉन्सर होता है वो एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आपका बनाया जाता है, जहाँ पे 40% ऑफ द नेट वर्थ ऑफ AMC आपके स्पॉन्सर की भी होनी बहुत ज़रूरी है। देखो, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी आप बनाओगे अगर आप स्पॉन्सर हो, दूसरी चीज़ अगर आप स्पॉन्सर हो तो आपको नेट वर्थ का कम से कम 40% जो है आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो आपकी AMC है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वहाँ पे जितना भी नेटवर्थ है उनका, उसका 40% आपको अपना डालना पड़ेगा। क्यों? वरना तो ऐसे कोई भी उठ के आ जाएगा मैं स्पॉन्सर बनूंगा, नहीं, जब तक आपका भी थोड़ा पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा आप जो है हो सकता है कुछ गलत चांसेस कुछ कर दो, तो इसीलिए आपका भी पैसा होना चाहिए, आपकी भी इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि आप जो है दूसरों के पैसों को सही तरीके से चला सको और तब आप जो है एक स्पॉन्सर बन पाओगे। नेक्स्ट ट्रस्टी। अब स्पॉन्सर क्या कर रहा है, एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बना रहा है, तो यहाँ पे ट्रस्टी क्या हो सकता है, ट्रस्टी आपकी कोई भी जो है आप आइदर द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और अ ट्रस्टी कंपनी, या तो आपका बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो सकता है या कोई ट्रस्टी कंपनी हो सकती है, जो कि क्या करेगी, जो भी आपके म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टी होती है उसको होल्ड करेगी। ट्रस्टी क्या करती है, जो भी म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करती है, ताकि जो भी पैसे डाल रहा है छोटा मोटा इन्वेस्टर उस कंपनी में, उसके बेनिफिट्स बने रहें। तो इसीलिए जो यूनिट होल्डर है उनके बेनिफिट्स बने रहें उस ट्रस्ट में, इसके लिए जो है म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे ट्रस्टी जो है यहाँ
जहाँ पे अपना आपके म्यूचुअल फंड के सारे एसेट को कंट्रोल करती है या होल्ड करती है, कंट्रोल नहीं होल्ड करती है, अपने पास रखती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रस्टी की, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू इंश्योर दैट द म्यूचुअल फंड इज मैनेज अंडर द स्टेचुटरी प्रोविजन एंड द रेलिवेंट गाइडलाइंस, कि जो जो म्यूचुअल फंड्स को लेकर के स्टेचुटरी प्रोविजन्स हैं और रेलिवेंट गाइडेंस है उसको जो है वो कंप्लीट करें, या फिर कह लीजिए उसको उसी तरीके से मैनेज किया जाए एज पर द प्रोविजन्स एंड एज पर द गाइडलाइंस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रस्टी की ये सब चीज़ें देखने की। तो ट्रस्टी क्या क्या करती है, ट्रस्टी आपके जो है जो भी आपकी प्रॉपर्टी है ऑफ म्यूचुअल फंड की जो भी प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करके रखती है ताकि किसी के साथ कुछ धोखाधड़ी ना की जा सके, ठीक है, किसी भी स्मॉल इन्वेस्टर के राइट को ना खराब किया जा सके। दूसरी बात कि जो भी आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रेलिवेंट गाइडेंस में है या फिर स्टेचुटरी प्रोविजंस में है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी कंपनी एज एन म्यूचुअल फंड आपका काम कर रहा हो इसके लिए भी वो इंश्योर करती है। नेक्स्ट आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ये अपॉइंट किए जाते हैं ट्रस्टी के द्वारा। देखो ध्यान देना, स्पॉन्सर बना, स्पॉन्सर ने ट्रस्टी को बनाया, एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी क्रिएट किया, ट्रस्टी के पास सारी जो है होल्डिंग होती है और साथ ही साथ जो है वो इंश्योर करता है सारी चीज़ें एज पर द रेलिवेंट गाइडलाइंस के थ्रू हो। अब यहाँ पे जो है ट्रस्टी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जो है अपॉइंट करता है। अब ये अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी और द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे या तो ट्रस्टी के थ्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट किया जाएगा या फिर इन्वेस्टमेंट का जो मैनेजमेंट कर रहा है उस ट्रस्ट का वो इसको जो है अपॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी है वो सेबी के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखता है कि जैसे कि लोगों का, इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है उसको कहाँ डाइवर्सिफाई करना है, उसको कहाँ लगाना है। अब मेरे जैसे व्यक्ति को उठा करके कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर मैंने बनाई है ऐसे ही नाम के लिए और कोई म्यूचुअल फंड एजेंसी जो है मुझे एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास जो है जोड़ लेती है, तो वहाँ पे अब मेरे को खुद का कुछ ज्ञान नहीं है, मतलब नील बट्टे सन्नाटा वाली सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेरे पास दूसरों का पैसा आएगा उसका भी मैं तीली लगा ही दूंगी, क्योंकि उसका भी बत्ती बना करके शायद मैं फेंक दूँ, जो है ना चाहते हुए भी मैं जो हूँ उनके पैसों को सही तरीके से ट्रीट ना कर पाऊँ। तो इसीलिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी सिर्फ वही हो सकती हैं जो कि आपकी सेबी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। सेबी रिकॉग्नाइज्ड करेगा तभी आपको जो है एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी काम करने का मौका मिल पाएगा, या फिर जो है बड़ी कंपनीज के साथ म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ के काम कर पाओगे। अब यहाँ पे जो है सेबी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी क्या करता है, ये करता है प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को विद मोर डाइवर्सिफिकेशन बाय इन्वेस्टिंग फंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कि जो इन्वेस्टर्स का छोटा छोटा पैसा आया है, थोड़ा थोड़ा पैसा आया है, उसको एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट करके दूसरी सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफाई करना, ठीक है। 50% ऑफ इट डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। जो आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ये क्या होती है, एक कंपनी होती है जो कि नॉर्मल हमारी कंपनीज होती है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टर की भी आवश्यकता होती है। तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके जो भी डायरेक्टर्स होंगे उसके 50% ऑफ द डायरेक्टर मींस हाफ ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टोडियंस। कस्टोडियंस क्या होते हैं, थ्रू द सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड हेल्ड इन द नेम ऑफ द ट्रस्टीज, दे आर नॉट केप्ट विद दैम। देखो कस्टोडियंस क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में क्या होता है बच्चे, आपके छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पैसे लिए जाते हैं और उनको बड़ी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स है जैसे आप हो मैं हूँ, तो हमारे नाम पे जो है वो बाय नहीं किया जाता। ऐसे नहीं किया जाता कि 10 रुपये का जो है शेयर उसके लिए, 10 रुपये का उसके लिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेट सपोज मुझे जो है MRF जैसी किसी बड़ी कंपनी में पैसा डालना है, उसका MRF का शेयर इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 96 to 7,000 रुपीज़, और एक टाइम था जो कि अभी रिसेंटली वो 1 लाख रुपये भी क्रॉस किया था, एंड आई एम टेलिंग यू द प्राइस ऑफ 1 शेयर, ठीक है। तो ये 1 शेयर का प्राइस चल रहा है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बाय दैट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेकर के वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। अब वहाँ पे वो ये थोड़ी ना लिखवाएंगे कि 10 रुपये का इसका लिखो, 10 रुपये का उसका लिखो, तो इसीलिए वो बाय करते हैं अपने नाम से। अपने नाम से यानी कि यहाँ पे बाय किए जाते हैं सिक्योरिटीज़ ट्रस्टीज़ के नाम पे। तो यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज़ बाय की जाती हैं वो ट्रस्टी के नाम पे बाय की जाती है, और इसीलिए ट्रस्टी के नाम पे ये बाय की जा रही है तो उनके पास इसका जो है रख रखाव नहीं दिया जाता। क्यों, क्योंकि ट्रस्टी का क्या पता कल मन मचल जाए, उसकी बीवी उसके सर पर चढ़ के कह दे कि तुम ये करो वो करो फलाना करो, वो गुस्से में आकर के सारे शेयर बेच बाच के निकल जाए, सो दैट मे बी पॉसिबल, ठीक है। सो ट्रस्टी के नाम पे ही आपके जो है यहाँ पे ये सिक्योरिटीज बाय की गई है, इसीलिए और ये सारी सिक्योरिटी ट्रस्टी के पास नहीं रखी जाती है, ये रखी जाती है एक अलग पार्टी के पास जो कि कहलाई जाती है कस्टोडियन। कस्टोडियन एक
तरीके से आप कह सकते हो जो कि देखभाल करता है, ठीक है. सो दे आर नॉट केप्ट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ कीपिंग, द सिक्योरिटी इज़ ऑन द कस्टोडियन. तो यहाँ पे सेफ कीपिंग के लिए क्या किया जाता है, कस्टोडियन के पास ये चीज़ें रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स का अधिकार इन्वॉल्व हो जाता है. छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का यहाँ पे आप कह सकते हो कि उनके साथ गलत ना हो, इसीलिए जो है इनकी जो सेफ कीपिंग होती है उसके लिए इनको जो है एक अलग पार्टी, दैट इज़ कॉल्ड कस्टोडियन, उसके पास रखा जाता है. सो आई होप दिस होल टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है. सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.